डिस्क। फ्लॉपी डिस्क काफी कम कीमत में छोटे कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बढ़ाने वाले एक बहु प्रचलित इनपुट या आउटपुट माध्यम के रूप में प्रसिद्ध हैं। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग माइक्रो कंप्यूटर के अलावा मिनी कंप्यूटरों में भी किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग मैग्नेटिक टेप या डिस्क तुलना में अधिक है, क्योंकि यह उपयोग में सरल, कीमत में कम, उच्च संग्रहण क्षमता या डायरेक्ट एक्सेस की सुविधा प्रदान करने वाला माध्यम है। फ्लॉपी डिस्क में एक प्लास्टिक की 3.5 इंच 5.25 इंच या 8 इंच व्यास वाले गोल शक्ति होती है। इस शक्ति की दोनों सतहों पर एक चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, जिसके फलस्वरूप शक्ति की दो सतहों पर डाटा संग्रहित हो सकता है। मैग्नेटिक डिस्क की भी भांति फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक या सेक्टर उपस्थित रहते हैं। फ्लॉपी डिस्क के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं। फ्लॉपी में आकार के अनुसार ट्रैक 9 से 15 अथवा 18 सेक्टरों में विभक्त रहता है। फ्लॉपी के प्रत्येक सेक्टर में अधिकतम 512 बाइट संग्रहित की जा सकती है। 3.5 इंच आकार के दो तरह वाली फ्लॉपी का घनत्व 135 ट्रैक प्रति इंच होता है, लेकिन छोटे आकार के कारण केवल 80 ट्रैक की फ्लॉपी पर उपलब्ध होते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता 720 किलोबाइट होती है। इसके प्रत्येक ट्रैक में 9 सेक्टर होते हैं। 3.5 इंच आकार की एक अन्य प्रकार की फ्लॉपी संग्रहण क्षमता 1.144 मेगाबाइट होती है। इसमें भी 80 ट्रैक होते हैं, लेकिन प्रत्येक ट्रैक में 18 सेक्टर होते हैं। इस तरह कुछ 2880 सेक्टर फ्लॉपी में होते हैं और कुल संग्रहण क्षमता 1880 × 512 = 44,74,560 बाइट 1.44 MB होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 5.25 इंच आकार की दोनों तरह 48 ट्रैक प्रति इंच वाली फ्लॉपी में 40 ट्रैक होते हैं। प्रत्येक में 9 सेक्टर होते हैं। इस तरह कुल 720 सेक्टर या 360 प्रति सतह होते हैं, जिससे इसकी कुल संग्रहण क्षमता 720 × 512 = 368,640 बाइट या 360 KB होती है। 5.25 इंच आकार की दोनों तरफ वाली 96 ट्रैक प्रति इंच की फ्लॉपी, जिसमें 80 ट्रैक होते हैं, भी उपलब्ध हैं। इसमें प्रति ट्रैक 15 सेक्टर होते हैं, अर्थात कुल 2400 सेक्टर 1200 प्रति सेक्टर होते हैं। इस तरह इसकी कुल संग्रहण क्षमता 2400 × 512 = 12,28,800 बाइट 1.2 MB होती है। डायग्राम 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क। यह फ्लॉपी डिस्क सुरक्षा की दृष्टि से एक प्लास्टिक के खोल में रखी जाती है। इसका उपयोग करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव के समान ही उपकरण होता है। इस ड्राइव में उपलब्ध रीड राइट हेड की आवश्यकता से डाटा लिखा या पढ़ा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क के समान ही फ्लॉपी डिस्क के लाभ इस प्रकार हैं: अत्यंत तीव्र लेखन पठन गति या डाटा स्थानांतरण, डाटा को आदान प्रदान कर सकता है, रीड पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। आक्रमिक उपयोग संभव, साथ ही क्रमिक उपयोग संभव है। अति उच्च संग्रहण क्षमता, उपयोग में सरलता,
उपयोग में सरलतम मेरे डिस्क के समान ही फ्लॉपी डिस्क के कुछ दोष भी हैं। अन्य सभी साधनों जैसे पंच कार्ड मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा अधिक महंगा साधन क्रमिक तरीके से उपयोग करने में मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा धीमी। मनुष्य द्वारा अपठनीय पढ़ने लिखने के लिए मशीन डिस्क ड्राइव अत्यावश्यक। लगभग 20 से 25 वर्षों तक फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटरों में बहुत अधिक किया जाता रहा, किंतु नेटवर्क का प्रयोग बढ़ने या अधिक उत्पन्न संघनन डिवाइस जैसे फ्लैक्स ड्राइव, पेन ड्राइव या यूएसबी या एसएसडी के आने से इनका प्रयोग अब न्यूनतम होता है, मतलब कम उपयोग होता है।